बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर चुटकी ली है। शाहनवाज ने राहुल के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है। शाहनवाज ने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी की महिला नेताओं से अधिक डर लगता है। राहुल के सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम आ जाए तो वो डर जाते हैं। राहुल गांधी गुजरात का चुनाव छोड़ के दिल्ली अपनी ताजपोशी के लिए आ गए हैं। वो अपने विधायकों को ताज नहीं पहनाना चाहते, खुद ताज पहनना चाहते। उन्हें मालूम है कि गुजरात हिमाचल के हार के बाद जब वो अध्यक्ष का पद संभालेंगे तो उनकी पार्टी में तो कोई एतराज नहीं करेगा, लेकिन देश में संदेश ये जाएगा कि एक हारा हुआ सिपाही अध्यक्ष बन रहा है। तो अगर अखिलेश के साथ सिंगल डिजिट में रह गई कांग्रेस और यूपी को 7% है कि जगह 7% आया, सिर्फ 7 सीट, तो गुजरात में भी कांग्रेस सिंगल डिजिट में रह जाएगी। तो गुजरात में निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो 2/3 बहुमत से जीतते थे, अब वो प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात की जनता 3/4 बहुमत से हम लोगों को सफलता देगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बार याद होगा कि केशुभाई पटेल हमारी पार्टी से अलग होके चुनाव लड़े थे और वो हार्दिक पटेल से बहुत बड़े नेता थे, फिर भी लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। पूरा पाटीदार समाज बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। सबसे ज्यादा विधायक सांसद जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पाटीदार है। मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक वक्फ बोर्ड है जो एक सरकार की बनाई हुई बॉडी थी। उसके और भी पक्ष हैं, सब पक्षकारों से बातचीत करके इसका हल, पूरा मसला हल हो, ऐसी हम सब की कामना है। तो जो भी पक्ष हैं, जो अदालत में जिन लोगों का पक्ष है, जो बाहर में पक्ष है, उसको लेकर श्री श्री रविशंकर भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हर भारत के नागरिक को उसमें योगदान देना चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए, सौहार्द का केंद्र बने अध्याय, ऐसी हम लोगों की कोशिश है। एक बड़ा सवाल ये है कि अभी बलिया में योगी जी की आज एक कार्यक्रम था और वहाँ मुस्लिम महिलाओं के बुरके उतार लिए गए इधर से कि काला झंडा न दिखाया जाए, आपको लगता है ये सही हुआ है? नहीं, ये गलत खबर है। खबर गलत, किसी के बुरके नहीं उतारे गए और बड़ी तादाद में मुस्लिम महिला मुस्लिम पुरुष सब योगी जी की सभा में आ रहे हैं। योगी जी सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपने मुख्यमंत्री के सभा में जाने का अधिकार है और वो जाते हैं। योगी जी से अब पूरे उत्तर प्रदेश के लोग प्यार करते हैं और योगी जी भी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, योगी जी मिलते वक्त में उससे जात और धर्म पूछकर नहीं मिलते। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।